कशिश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। बात करते हैं राजबल्लभ यादव की। नाम से समझ गए होंगे आप, आरजेडी के पूर्व विधायक, दबंग विधायक, बाहुबली विधायक का एक बार फिर उनकी दबंगई, उनकी बाहुबलियत देखने को मिली है। सजा याफ्ता है पूर्व विधायक राजबल्लभ यादव। पटना के IGMS पहुंचे थे और वहां पर उन्होंने दरबार लगा दिया। तो राजबल्लभ यादव की बात हम बता रहे हैं, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। राजबल्लभ यादव जो आरजेडी के पूर्व विधायक रहे हैं नवादा के, उनकी एक तस्वीर, एक वीडियो वायरल हो रहा है तेजी से। ये पटना के IGMS का है जहां वो अपने लोगों के बीच दरबार लगाते दिख रहे हैं, फोन पर बात करते दिख रहे हैं। आपको बताएं कि मेडिकल जांच के लिए आए थे राजबल्लभ यादव, यहाँ इन्होंने चौपाल लगा ली, दरबार लगा लिया। तो पूरी खबर बताएं कि नवादा में नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म करने वाले नवादा के पूर्व विधायक राजबल्लभ यादव जेल में जाने के बाद भी उसी रंग ढंग में दिख रहे हैं, जिसका नजारा जो पटना के IGMS यानी इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान में दिखा। अस्पताल आने का बहाना तो मेडिकल चेकअप का था, लेकिन यहाँ पूर्व विधायक की क्षेत्र के लोगों के साथ चौपाल लगी। लोग पहुंच गए विधायक की पहुंचने की सूचना पर, और जो पूर्व विधायक थे ये हैं राजबल्लभ यादव, इनके साथ जो इनके इलाके के लोग हैं वो मिलने पहुंच गए। वहां पर चौपाल सज गई, वहां पर दरबार लग गया पूर्व विधायक महोदय का। आपको बताएं कि राजबल्लभ यादव इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान में जब मेडिकल चेकअप के लिए पहुंचे तो पुलिस कर्मियों ने उन्हें आजाद कर दिया और पुलिस के जवान राजबल्लभ से कुछ दूरी पर खड़े हो गए। राजबल्लभ IGMS परिसर में पहले से मौजूद नवादा की विधायक, उनकी पत्नी जो है विभा देवी के साथ एक दर्जन से अधिक क्षेत्र के लोग मौजूद थे। जो पत्नी अभी वर्तमान में विधायक है विभा देवी, आरजेडी की नवादा से पति की सत्ता को संभाल रही है, तो उनके साथ लगभग दर्जन भर समर्थक वहां मौजूद थे। जहां राजबल्लभ यादव पहुंचे और उनसे मुलाकात करने लगे, उनसे बातचीत होने लगी, यानी पूरी दरबार सज गई राजबल्लभ यादव की। आए थे मेडिकल चेकअप के लिए, लेकिन अपने क्षेत्र को लोगों से मिलने लगे, उनकी समस्याएं भी सुनने लगे। यहाँ राजबल्लभ यादव के साथ समर्थकों ने खाना पीना के साथ साथ विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। इस दौरान पुलिस ने भी प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया और सजायाफ्ता कैदी होने के बावजूद पूर्व विधायक इधर उधर घूमते नजर आए, यानी पुलिस वालों ने भी उन्हें छूट दे दी। पुलिस वालों ने भी जो उनसे कुछ दूरी बना ली और उन्हें कुछ देर के लिए आजाद भी कर दिया। तस्वीरें गवाह हैं, आप देख सकते हैं, वीडियोस में कैद भी हो गए हैं। ये जो मंजर है, ये लम्हा जो है कि किस तरह से जो पूर्व विधायक, जो दबंग विधायक के तौर पर जाने जाते रहे हैं, उनकी पत्नी वर्तमान में जो विभा देवी है वो नवादा की विधायक है, किस कदर उनकी दबंगई सर चढ़कर बोलती है। और यहाँ पर भी एक बार फिर पुलिस कस्टडी में होने के बावजूद, सजा याफ्ता होने के बावजूद सजा भुगत रहे हैं राजबल्लभ यादव, लेकिन मेडिकल जांच के लिए जब पहुंचते हैं तो कैसे दरबार सजता है, उसका नजारा यहाँ पर पटना के IGMS में देखने को मिल रहा है। आपको बताएं कि नवादा में साल 2016 में नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म की घटना हुई थी और आरोप RJD के विधायक राजबल्लभ यादव पे लगा था। ये तत्कालीन विधायक थे उस वक्त। विधायक पर आरोप लगने के बाद उन्हें राजद से निलंबित कर दिया गया था। पूर्व विधायक राजबल्लभ यादव को कोर्ट ने इस मामले में उम्र कैद की सजा सुनाई और 50,000 का जुर्माना लगाया था। RJD के पूर्व विधायक पर सबूत से छेड़छाड़ करने के साथ साथ कई गंभीर आरोप भी लगे थे। और पटना के जो तत्कालीन DIG थे सालीन ने इस मामले में काफी सख्ती दिखाई थी और जांच में राजबल्लभ का कोई प्रभाव नहीं दिखा था। तो राजबल्लभ यादव अभी रेप के मामले में, रेप के गंभीर मामले में, नाबालिग से रेप का मामला है और उस मामले में सजा याफ्ता है, लेकिन दरबार लगा रहे हैं IGMS में और पुलिस वाले पूरे प्रोटोकॉल का उल्लंघन कर रहे हैं और राजबल्लभ यादव को छूट दे रखी है। तो ये नजारा आप देख सकते हैं कि सत्ता में नहीं है और विधायक भी नहीं है, पत्नी विधायक है, लेकिन हालत इतनी है कि पुलिस वाले दूरी बनाकर खड़े हैं और पूर्व विधायक महोदय अपने लोगों से के बीच दरबार सजा रहे हैं। बने रहिए कशिश न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।